थैंक यू भैया जी। दिन की शुरुआत, गुड मॉर्निंग गाइस। आज की शुरुआत हमारी कहाँ से हो रही है? सियाराम जी से। मैं सियाराम सिड्डू इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हमने सिड्डू खाए नहीं आज। भैया टिश्यू पेपर देना। आज की शुरुआत हमारी हो रही है परांठों से, सियाराम पराठा। ओके, नो सिड्डू, क्योंकि हम सिड्डू और ये पोल्डू और ये खा खा के बोर हो गए हैं। बहुत खा लिया। आप सोच रहे होंगे भाई अभी तो ये रोडू से शिमला जा रहा था, अभी ये उल्टी डायरेक्शन में कहाँ चला हुआ, सोलन से शिमला। ऐसा है, अपने को ना एमरजेंसी में सोलन आना पड़ा क्योंकि जिन भाई साहब जी को हमने बोला था कि आप प्लीज स्टॉक भिजवा दें, वो तो भाई साहब जी को पड़ गया कोई अर्जेंट काम और अपने पास शाम को है सलोन में अपॉइंटमेंट्स उस पर्टिकुलर टास्क की, ठीक है जी, जॉब की, ट्रीटमेंट की। अब अपने को फटाफट पहुंचना पड़ा संजौली। संजौली में किटी मैडम को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद मैं सीधा पहुंचा हूं जी सोलन। सोलन से स्टॉक पिक किया है अपने वेंडर से एंड अब जा रहा हूं वापस शिमला। हसल भसल रही, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक इतना हो रखा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। 12 बजे के आसपास, 11:30, 12:30, 11:30, 12 बजे के आसपास मैंने उपासना को ड्रॉप किया जी। और उसके बाद अभी टाइम हो रहा है जी 2:15, सोलन पहुंचा हूँ, सामान उठाया है एंड हेडिंग बैक टू सलोन। फटाफट पहुंचते फिर मिलते हैं आपको सलोन पहुंच के। बहुत भागम दौड़ी है भाई जी, भागम दौड़ी। हालत भी मेरी ऐसी हो रखी थी, टोपी फेंकी मैंने भगा के और चलो। और अभी एसी चल रहा है गाड़ी में, ऐसी गर्मी लग रही है मुझे, इसको उतारने का भी टाइम नहीं मिलता। मैं सोच रहा था कि टैटू डिज़ाइन करूँगा और टैटू करूँगा एक खास अपने बंदे के, बट ऐसा ऑक्यूपाई हुआ ना मैं सलोन के स्टाफ के चक्कर, उसमें स्टॉक के चक्कर में, अब भागना पड़ रहा फटाफट से, फिर देखते हैं जी। और बहुत ही ज़बरदस्त वाला मौसम परिवर्तन हो चुका है। कल रोडू में तो शाम को इतनी तगड़ी बारिश हुई है ना, रात को बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश, सुबह हम लोगों को ठंड लग रही थी, इस चक्कर में मैंने ये स्वेटर पहना। मगर अभी सोलन साइड हो गई है गर्मी, बहुत जबरदस्त वाली गर्मी, बहुत जबरदस्त वाली। बाकी दादाजी वाला जो पार्ट था ना कल का व्लॉग का पार्ट, भाई नेक्स्ट लेवल नॉलेज, नेक्स्ट लेवल माइंड, क्या बोलते हैं उसको, ओपन हो गया। क्या सोच है ना, जबरदस्त वाली सोच। गाड़ी भी धुलवानी है मैंने अभी, मगर समय की शॉर्टेज की वजह से सोच रहा हूँ कि सोलन से कई बार ना जाम लग जाता है शिमला के लिए। एक बार शिमला पहुँच जाऊँ, अंदर एंटर कर जाऊँ, फिर उसके बाद छोटा शिमला साइड देखते हैं, अगर टाइमली पहुँच गया तो वॉशिंग करा लेंगे, नहीं तो गली हो पाएगा। काफी टाइम से ना, मतलब शिमला की तरफ वाले रास्ते पे बहुत टाइम से एक होल्डिंग लगी हुई थी, एक ग्रब हब करके बाकना घाट,
तो आज जरा यहीं पे ही गाड़ी रोक ली अपने, देखें जरा क्या सीन है यहाँ पर। चलो जी फिर अब ऐसा है, अपन ने खा लिया अनियन रावा मसाला डोसा। और ना मैं काफ़ी टाइम से उपासना से भी डिस्कस यही कर रहा था कि यार यहाँ पे ना अपना कुछ खाने के आउटलेट नहीं है बढ़िया शिमला हाईवे पे। हो सकता है सरस्वती माता बैठी हो हमारे मुंह के अंदर जुबान पे। बीकानेर वाला ओपन हो चुका है, वो भी एक नहीं दो। एक है आपका ईश्वर स्वीट्स के पास बीकानेर वाला खुला है, एक यहाँ पे खुल चुका है ग्रब हब। ये है जी कंडा घाट से थोड़ा सा ऊपर को चढ़ोगे ना आप, वहाँ आपको दिख जाएगा ग्रब हब ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड जब आप शिमला की तरफ आ रहे हो। अच्छा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत से आउटलेट्स और आ रहे हैं। कुछ मैक्स बारबेक्यू करके है, ज्ञानीज आ चुका है आइसक्रीम का जो ब्रांड है, ठीक है बहुत पुराना ब्रांड है ज्ञानीज, 1956 में शुरू हो गया था। और बर्ग्रिल है, अभी बर्ग्रिल तो मुझे दिखा नहीं अंदर कहीं पे भी, बट ये है कि बीकानेर वाले ने ऑपरेशंस शुरू करते हैं। स्टाफ थोड़ा सा कम है अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है, बट सही है, आप ऑर्डर दो काउंटर पे जाके और उन्हें बता दो कि आप नीचे बैठे हो, नीचे भी काफ़ी बड़ा हॉल है, सिटिंग है प्रॉपर, तो वन कैन गिव इट अ ट्राई। अच्छा फूड जॉइंट खुल गया, बढ़िया वाला। चलो जी फिर अब के लिए अपना हो गया जी सफ़र शुरू, हेडिंग बैक टू शिमला। ओहो बेल्ट लगा लूँ मैं जरा। अकेले ट्रैवल करने में ना मेरे को बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है ना कि अकेले ट्रैवल करना पनौती जैसी हो जाती है। गाने भी कितने ही सुन लोगे आप, कितने ही सुन लोगे। पहले मैं सोच रहा था कि किसी ना किसी को अपने साथ ले जाऊं, बट नहीं पॉसिबल क्योंकि स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है ना सलून में, और बहुत कुछ सोच रहे हैं हम लोग कुछ नए प्रोजेक्ट्स करने की रिलेटेड टू टैटूज एंड नेल आर्ट। बट दिक्कत पता क्या हो रही है, स्पेस अवेलेबल नहीं है संजौली में कहीं पे भी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो रखा है इस टाइम, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्लेस पे नया आउटलेट नया कुछ ओपन करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम अपने पास केमिकल जॉब्स चलती हैं जैसे स्मूदनिंग कैरेटिन्स वगैरह, तब प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं, अभी खोज जारी है जगह की, लगे हुए हैं कोशिश करने कि क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। भाई डोसा खा के मज़ा आ गया, बढ़िया बनाया था। सांभर थोड़ा सा मीठा मीठा था बट बढ़िया टेस्टी वाला। अभी ये है कि अपने को एक स्पॉट मिल गया है नया, धीरे धीरे देखते हैं कि क्या इनका आउटपुट आता है, पर अपने को तो ठीक लग रहा है। बिकॉज जो सोलन वाला स्पॉट है ना जहाँ पे KFC और ये है पिज्ज़ा हट है कॉस्टा कॉफ़ी है, वहाँ पे तो भाई गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती और फिर अपने को वहाँ से भागना पड़ता है इधर उधर गाड़ी लगाने, वहाँ से फिर पैदल जाओ। हाँ ये है कि अगर आप शाम जैसे को आ रहे हो ना, मतलब 7-8 क्लोजिंग के टाइम के आसपास, फिर आपको जगह मिल जाएगी, मगर दिन के टाइम पे तो जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत ज़्यादा मुश्किल। कुछ 25-30 गाड़ियाँ लगती हैं उनकी रोड हेड पे ही, 25-30 गाड़ियाँ बस, उससे ऊपर गाड़ियाँ फिर सड़क पे लगती हैं, वहाँ फिर चलान का पंगा है, या तो फिर इधर उधर गाड़ी लगाओ आउटर वगैरह में। पर यह है कि शुक्र है कि आउटलेट्स खुल रहे हैं बहुत ज़्यादा, नहीं तो एट टाइम्स ऐसा होता था कि अपने को पिज्ज़ा वगैरह जैसे पिज्ज़ा हट खाना ना, पहले तो शिमला में था बट वो शट डाउन हो गया, तो अगर
किटी मैडम को पिज्जा वगैरह खाना होता था तो मैं चंडीगढ़ से लेके जाता था। अभी ये कि ज्ञानीज भी खुल गया, बेस्ट है, बढ़िया। दिल्ली में बहुत खाई मैंने ज्ञानीज आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा। तो ये है कि अब आपके पास अगर आउटलेट्स आ रहे हैं तो बिजनेस भी दो उनको बढ़िया वाला। भाई ये ऑल्टो वाले बहुत भगाते हैं गाड़ी यार, बहुत भागती है ना ऑल्टो, कंट्रोल हो जाती है छोटी सी गाड़ी ऑल्टो वाले। क्या तुम्हारे पास, हमारे पास भी ऑल्टो थी, हम भी ऐसे जाते थे उड़ते हुए। मेरे को तो इस रोड पे जब भी आता हूँ ना, मेरे को पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो जाती है मेरी, जिस टाइम उपासना और मैं अनमैरिड थे बट वी वर इन रिलेशनशिप, तो मैं कई बार आता था शिमला मिलने ना, बहुत इंजॉय करते थे हम लोग, मस्ती मारते थे, घूमते फिरते थे। सुबह एक दिन का ऑफ मिलता था, अर्ली मॉर्निंग आता था मैं शिमला घूम फिर के, शाम को उसको घर ड्रॉप कर देता था और मैं चंडीगढ़ पहुंच जाता था। तो वो जो मेमोरीज है ना वो मेरे को रिफ्रेश हो जाती हैं। पहले कहाँ ऐसा रोड होता था भाई, ये तो अभी डेवलप होना शुरू हुआ है, नहीं तो उस टाइम पे सिंगल रोड होता था। आपको अगर ओवरटेक करना है ना तो आपको बहुत सोच समझ के देखना पड़ता था कि सामने से कहीं ट्रक या बस ना आ जाए, और आधी गाड़ी ऐसे कच्चे में उतार के फिर ओवरटेक करना पड़ता था। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, कोई ये कौन सा है वो पिंजौर वाला जो रोड है, अंदर से घूम के आना पड़ता था परवाणु होके। ये जो बाईपास बना है अभी नया वाला, वो नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे कई बार तो हम लोग उस पर भी आए हैं बाइक्स पे और एलेबल वेस्पा। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि सोलो ड्राइव बहुत बोरिंग हो जाती है, मगर एट टाइम्स ऐसा होता है कि भाई मज़ा आ रहा है, मज़ा, क्योंकि अपनी पसंद के गाने सुनने पड़ते हैं ना। अभी के लिए तो मैंने सॉन्ग्स वगैरह बंद कर रखे हैं क्योंकि कॉपीराइट का सीन हो जाता है। ओ भाई गर्मी है बाहर, एसी चला हुआ है गाड़ी में, कि बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है पता ही नहीं चल रहा है। एक तो ये नहीं पता चल रहा कि ठंड शुरू हो चुकी है या गर्मी है या क्या है, गॉड नोस, कुछ अजीब सा ही मौसम हो रखा है इस टाइम पे। 26 अप्रैल है आज, अप्रैल के मंथ में तो गर्मी ऐसी होती थी, बट अब नहीं पता चल रहा भाई शिमला का मौसम का, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। रोडू में देख लो आप, ऐसी रोडू में ऐसा हो रखा था कि हमें तो पता ही नहीं लग रहा था कि जैकेट पहने, स्वेटर पहने या टी शर्ट में घूमे। पर रात को जैकेट निकल गई थी भैया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस शुरू हो चुके हैं एमसी के, जिसकी वजह से गाड़ियों की चेकिंग बहुत हो रही है। सुबह से मेरे को 2 बार रोक लिया गया है, परेशान नहीं कर रहे सीरियसली, बहुत कॉपरेटिव है। बस ये है कि गाड़ी रुकवा रहे हैं, ग्लव बॉक्स खोल के देख रहे हैं और आपके बैग्स देख रहे हैं कि कहीं ज़्यादा कैश या लीकर है ना, मतलब जो कि चीज़ें नहीं अलाउड होती ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स, वो तो नहीं है। तो गुजारिश यही है कि कैश वगैरह थोड़ा कम कैरी करें, ठीक है जी, 2-3 हज़ार से ज़्यादा कैश कैरी ना करें। गूगल पे वगैरह क्या हो गया, डोसा खा गए, गूगल पे वगैरह यूज़ करें। आजकल छोटी छोटी शॉप्स पे भी गूगल पे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है जी, जो वेंडर होते हैं वो भी। दिस इज स्पेशली फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू विजिट शिमला अभी कुछ 4-5 दिन या हफ्ते के लिए, क्योंकि इलेक्शंस जोरों पे है। शोगी मार्केट में एंट्री हो चुकी है अपनी, मौसम देख लो आप कैसा हो रखा है, ज़बरदस्त वाला, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मौसम है, मगर गर्मी, दिन की गर्मी है जी। क्यों, सूरज देवता जी प्रकट हो रखे हैं तो दिन में आपको गर्मी लगेगी, बट जैसे ही सनसेट होगा उसके बाद हालत ख़राब हो जाएगी, हालत ऐसी ख़राब हो जाएगी कि आपको महसूस होगी ठंड हल्की हल्की। पीला रेता क्या होता भाई, पीला रेता
ओके, पता नहीं क्या होता, पीला रेता। अब एक शॉप है वहाँ पे बिक रहा है, चलो जी। अभी यहाँ से है कुछ आगे जाके मेटलिंग का काम शुरू हो चुका है जबरदस्त तरीके से। चलो भैया जी, चलो चलो भैया जी, भैया जी चलो भैया जी, अब कहाँ जाएंगे, अब नहीं मिलेगी साइड। चलो जी फिर, जरा प्लीज एक्सक्यूज मी सर। अब है जी नज़ारे ही नज़ारे, खाली रोड, मक्खन। ये तो बीच में ना, ये मेटल हो चुका है, ये अभी फ्रेश मेटल है, नहीं तो यहाँ पे साइड लेना ऐसा हो जाता था कि आप ओवरटेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि खड्डे ही इतने बड़े बड़े थे कि आप अपनी गाड़ी को दुख नहीं पहुँचाना चाहेंगे। मज़ा आता मेरे को इस वाली रोड पे, ये जो पैच है ना शोगी से लेके गोयल मोटर वाला शिमला वाला, ये पैच बहुत प्यारा है, मज़ा आता है यहाँ पे गाड़ी चला के। मैं और किट्टी तो कई बार ना ऐसा होता था कि रात को हम लोग लगे हुए हैं कुछ मूवी देखने, या सलोन से लेट आए हैं, खाना बनाने का मन नहीं किया, तो अपन चुपचाप गाड़ी उठाते थे। और यहाँ पे ना एक होटल होता था, होटल वाकना करके, उसकी दाल मखनी बहुत टेस्टी थी। अभी तो बहुत टाइम हो गया हम लोगों को, बट स्पेशली उसकी दाल मखनी और पनीर खाने आया करते थे हम लोग। ये 24 आवर खुले रहते हैं ढाबे, शिमला में ऐसा है कि 10:30-11 बजे सब पैक हो जाता था, कहीं खाना नहीं मिलता था। बस स्टैंड हम लोग प्रेफर नहीं करते थे, तो संजौली ना बाहर से अपन ने बैठना गाड़ी में और पहुंच जाना जी वाकना घाट। यहाँ पे होटल वाकना है मूर्थल वालों का, मूर्थल में होटल हुआ करता था, उन्हीं की आगे चेन है, कुछ आउटलेट है। ये देखो जी मेटलिंग का काम चल रहा। चलो जी थैंक यू सर। ओहो थोड़ा बच के जाना पड़ता है इधर को, नहीं तो गाड़ी पे सारा ना तारकोल चिपक जाएगा। तो हम लोग वहाँ से निकलते थे। आई रे तो यार ये निकालना मुश्किल है, डीजल मारना पड़ता है फिर गाड़ी पे। ओके चलो, फिर वहाँ से अपा डिनर डिनर करके, आइसक्रीम भी मिलती थी वहाँ पे, कुल्फी वगैरह वो खा के फिर हम पहुँचते थे घर वापस। तो वो मेमोरीज जो है वो रिफ्रेश हो जाती है, एज इन आई एम डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग, ताकि बाद में देखने में मज़ा ही आ जाए, मज़ा। ऐसा हो गया था ना, घर पहुँचाऊँ और घर आके ऐसा सोया होना, मैं ऐसा पढ़ लिया मैंने, घर आके ऐसा सोया हूँ ना मैं, अब उठाऊँ जाके। थैंक यू, इन स्मॉलेस्ट माइशा से लिया है मैंने, माइशा इंस्टाग्राम पे। ये नहीं है बैग, पता ही है बाहर का कवर है, इसके अंदर है बिल्कुल ऐसा ही जैसा ये वाला बैग है मेरा, ऐसे ही बैग है ये। हाउ इज इट? वेरी नाइस।8:30 हो गए, उठ के बस चाय बनाई है और ये खा रहा हूँ मैं। ये देखो आप, करते हैं व्लॉग यहीं पे एंड। पता नहीं क्या किया है, करते हैं व्लॉग यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको कल सुबह। बाय बाय, गुड नाइट।